और अब आपको लेकर चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जल्द हम आपको सुनाएंगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कई मुद्दे और उन मुद्दों के साथ पार्टियां सियासत करती हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि से लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक, घर घर तक इस अभियान के माध्यम से सब तक पहुंचने का काम करेंगे। एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड जिसमें 9 वर्षों में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण से लेकर देश की सीमा की सुरक्षा हो, चाहे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का बढ़ता वैभव हो, ये पहली बार एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हो जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से लेकर ये पहला अवसर देश देख रहा है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उनका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों देश देख रहा है। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होता भारत, जिसने 7 रेस कोर्स लोक कल्याण मार्ग से जाना जा रहा है, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। वो न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नामों को बदलते हुए हिंदुस्तान को जोड़ा गया। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे रेस स्ट्राइक हो, भारत दुनिया के साथ प्रेम और शांति में, भारत सरकार के 2 वरिष्ठ नेता उसमें 8-8 दिन उसमें प्रवास करेंगे, मोर्चों के सम्मेलन से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों से चर्चा हो, राज्यों के साथ संवाद हो, प्रत्येक लोकसभा का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जनसभा होगी, हर पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, तो इसमें लोकसभा स्तर के कार्यक्रम, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम, पंचायत समिति के स्तर के कार्यक्रम और मंडल स्तर के कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। आने वाले समय में इन सारे स्तर पर भी दायित्व दिया है, वो इस कार्यक्रम में पूरा केंद्र की टोली के साथ इन कार्यक्रमों को कराने के लिए, नीचे तक पहुंचाने के लिए सब लोग इसमें सहभागी बनेंगे। ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसमें गांव, गरीब, किसान से लेकर महिला और युवाओं के उत्थान को लेकर अनेक योजनाएं देश में भी है, जो काम पिछले समय पहुंचा है। कभी कहा जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया बेचते हैं, गांव में पहुंचते पहुंचते 15
रुपए पहुंचता है, लेकिन आज दिल्ली से 100 रुपया निकलता है तो 100 का 100 रुपया सीधे खातों में पहुंचता है, डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट आप डिलीवरी वहां अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी होती है। ये पहली बार देश की जनता ने होते हुए देखा और अनुभव किया है। आज चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आओ, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, न्यू रेलवे लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो, राजस्थान में बरियासी रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में काम शुरू किया हो, एक जमाना था तब 2013-14 में मात्र 650 करोड़ रेलवे में राजस्थान को मिले हैं और अभी 2022-23 में 9,500 करोड़ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को दिए हैं। अभी तक 30 मेडिकल कॉलेज, 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद मिले हैं। तो मैं सोचता हूं हर योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता और नीचे तक उन योजनाओं का पहुंचना, ये ऐतिहासिक 9 वर्ष जिसमें संकल्प सेवा का, जिसमें संकल्प गरीब कल्याण का, इन योजनाओं को लेकर, इस ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने एक माह का ये कार्यक्रम, जिसमें अनेक कार्यक्रमों के तहत पार्टी नीचे तक इन कार्यक्रमों को करेगी, आज आपको इसी निमित्त ये जानकारी देने के लिए कि इस एक माह में भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी अजमेर की एक विशाल जनसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। अब आने वाले एक माह में इन सारे कार्यक्रमों का नीचे तक क्रियान्वयन होगा, यही जानकारी देने के लिए मैं आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। यही मेरी ओर से आप सबको आग्रह, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी अजमेर आए, राजस्थान की जनता 25 सांसद प्रधानमंत्री को दिए, उनमें से एक आप भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता के हित में एक भी घोषणा करके नहीं गए, सिर्फ खाली कांग्रेस को पोसते रहे अपने पूरी भाषण में। मेरा बिना मानते हैं आप, मेरा आपसे सवाल, मेरा भी आपसे सवाल है, 2018 में जिन लोगों ने घोषणा की उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया, 60 वर्ष में जो कोई नहीं कर पाया, आप आकलन करिए 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते, 60 वर्ष में जितने